साक्षी और आपका मेरे YouTube चैनल साक्षी यूनिवर्स में स्वागत है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो आज था मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम और मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा था और मैंने सोचा था कि काफ़ी टफ आएगा, ग्रामर वगैरह आएगी, बट इंग्लिश का पेपर एकदम ऐसा आया था कि 12th क्लास का बच्चा भी कर सकता है उस पेपर को। तो मैं गई थी एग्ज़ाम देने और एग्ज़ाम हमारा होता है 3 घंटे का, बट दे 1.5 घंटे में ही मेरा पूरा एग्ज़ाम हो गया और मैं आ गई। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। ये देखो, और ये है मेरा आइडेंटिटी कार्ड। तो मैं आपको बताती हूँ इंग्लिश के पेपर के बारे में। देखो, इतना इजी पेपर आया था हमारा। फर्स्ट तो पैराग्राफ आया था, फिर सही जोड़ी बनाना था, मैच द फॉलोइंग, आगे इस पे फिल इन द ब्लैंक्स, नॉर्मल से ग्रामर वाले थे जो कि 11th 12th या फिर 10th वाला बच्चा आराम से कर सकता है। और फिर अगला था डू एस डायरेक्ट, जिसमें वॉइस वगैरह चेंज करना था, टेंस वगैरह था, टेंस नहीं था, पूरे वॉइस ही आए थे स्पीच। उसके बाद एंटोनिम्स आए थे और फिर पैराग्राफ लिखना था, लेटर लिखना था लैम्प लाइटिंग सेरेमनी को लेकर, और ये सबसे बेस्ट लगा मुझे। राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल बंडेली फॉर रिसीविंग द बेस्ट स्टूडेंट प्राइज इन योर स्कूल। बाकी पैराग्राफ वगैरह लिखना था। इतना सा पेपर था, हो गया। बहुत मज़ा आए इंग्लिश का पेपर, बहुत इजी था। वैसे इंग्लिश उतनी टफ भी नहीं है, हिंदी मीडियम का बच्चा भी है तो ईजिली इंग्लिश कवर कर लेता है। वेल हे गाइस, मैंने कर लिया चेंज और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एमपी में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। एमपी में ओनली 10 नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज हैं, मतलब जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हैं ओनली 10 ही है, और पहले तो 9 थे, लेकिन अभी एक और बढ़ गया है, नया सेंटर जो आ गया है वो है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अनूपपुर। तो फर्स्ट नंबर पे है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जबलपुर, सेकंड नंबर पे है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज उज्जैन, थर्ड पे है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज सतना, फोर्थ पे है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज देवास, फिफ्थ नंबर पे है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज दतिया, फिर सिक्स पे है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मंदसौर, सेवन नंबर पे है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज विदिशा, और नंबर 8 पर है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रायसेन, और नंबर 9 पर है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज झाबुआ, एंड जो नया सेंटर बना है 10 नंबर पे है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अनूपपुर। तो ये है हमारे 10 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जो एमपी में है। और इसके साथ साथ मुझे आपके कुछ कमेंट्स के भी रिप्लाई देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था जिया का। तो जिया ने बोला है, हेलो दी, आई एम जिया, मेरा एक क्वेश्चन था, अगर पीएनएसटी एग्ज़ाम निकल गया तो हॉस्टल में बीएससी नर्सिंग होती है, उसमें जॉब लगती है क्या और डायरेक्ट जॉब मिल जाती है ना? तो जिया देखो, ऐसा है कि एग्ज़ाम हमको देना होता है, उसके बाद हम लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर हमारा हॉस्टल फ़ीस सारा गवर्नमेंट उठाती है और हमारे स्टडी का फ़ीस भी। हमें सिर्फ अपने खाने का, मतलब मेस फ़ीस पर मंथ 2000 रुपये देना पड़ता है। मेरे कॉलेज पे 2000 रुपये है, बाकी अदर कॉलेज पे थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, 2 से 3 हज़ार के बीच में होता है। और अब अगर आप, मतलब हॉस्टल में आपको रहना पड़ेगा, 4 साल आप ट्रेनिंग करोगे, हॉस्पिटल भी जाना होता है प्लस कॉलेज भी अटेंड करना होता है, उसके बाद 4 साल के बाद आपकी डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है सैलरी को लेकर। तो देखो, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है तो सैलरी जो है वो 40 to 45 के अराउंड होती है, और जैसे जैसे अपनी सीनियरिटी होती जाती है, मतलब जैसे जैसे अपनी जॉब बढ़ते जाते हैं अपन जॉब में, तो सैलरी जो है बढ़ती जाती है। और इसके साथ साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को बताना है, जो आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, तो ऐसा नहीं है कि किसी के 12th में कम परसेंट है तो वो पीएनएसटी फाइट नहीं कर सकता, ये वो, ये सब 12th तक की बातें होती है। यदि कोई स्टूडेंट ने 45-50% भी बनाया है और यदि वो 12th के बाद अच्छे से मेहनत कर लेता है तो वो ईज़िली पीएनएसटी एग्ज़ाम को फाइट कर सकता है और सिलेक्ट हो सकता है। परसेंट मैटर नहीं करते हैं, और मैटर करता है कि आपने 12th के बाद
प्रिपरेशन कितनी की है। हम बात करते हैं जनरल और ओबीसी वाले बच्चों की। जनरल और ओबीसी वाले बच्चे अगर 12th में 45 या 45 से ज़्यादा परसेंट लेकर आते हैं तो वो इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं, और एसटी एससी वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको ओनली 40% चाहिए होते हैं इस एग्ज़ाम को फिल करने के लिए। तो आप परसेंट वर्सेंट की टेंशन भूलिए और लग जाइए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे। और इसके बाद जो एक क्वेश्चन था काजल मालविया का, उनका क्वेश्चन ये था कि दी पी एन एस टी के सभी एग्ज़ाम में सभी सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो देखो एग्ज़ाम टोटल 145 मार्क्स का होता है, 30-30 मार्क्स के 5 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी एंड इंग्लिश। और तो ऐसा होता है कि मैटर नहीं करता कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लेके आना है, फिर भी पासिंग मार्क्स 8 मार्क्स तक पर सब्जेक्ट में तो होना ही चाहिए, और बाकी टोटल जो मार्क्स होते हैं वही उसी से ही रिजल्ट। मेरा क्वेश्चन है कि दी सिंपल बीएससी और बीएससी नर्सिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो सिंपल बीएससी और बीएससी नर्सिंग में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। यदि हम बीएससी नर्सिंग करते हैं तो हमें मेडिकल फील्ड में जॉब मिलती है, और प्लेन बीएससी तो हम नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए करते हैं। यदि बीएससी नर्सिंग में जैसे कि मैं कर रही हूँ, गवर्नमेंट अगर कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो देखो ना हमें डायरेक्ट जॉब मिल जाती है, वो भी गवर्नमेंट, और जो प्राइवेट करते हैं उन लोग को भी जॉब मिल जाती है, बट उनको 4 साल के बाद कोई एग्ज़ाम फाइट करना पड़ता है, और यदि वो एग्ज़ाम को फाइट कर लेते हैं तो ही उन्हें जॉब मिलती है। बट जैसे हम लोग हुए, अगर हमने मतलब पीएनएसटी का एग्ज़ाम फाइट कर लिया और कॉलेज कर रहे हैं तो हमें डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। तो सबसे ज़्यादा बेटर मेरे हिसाब से तो बीएससी नर्सिंग ही है। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं। लास्ट में मुझे आपको एक और चीज़ बोलना था, आप वीडियो देखते हैं, इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं, बट वीडियो को कोई लाइक नहीं करता, बहुत ही कम लाइक आते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में और अच्छा लगे और मैं नए नए टॉपिक पर वीडियोज़ बनाऊँ। ओके बाय।